नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं भारतीय कंस्ट्रक्शन लाइन चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम किचन खड़ा करेंगे, तो आप देखते रहिए पूरी प्रोसेस को और वीडियो को एंजॉय कीजिए। ये देखिए, ये किचन एल टाइप किचन है और डबल मोल्डिंग का किचन है, तो आज कड़ापा खड़ा करेंगे इसका, तो देखते रहिए आप। दोस्तों, किचन खड़ा करने से पहले आपको फ्लोरिंग की लेवल चेक कर लेनी चाहिए। जैसे ये पूरी फ्लोरिंग है, जैसा आप देख रहे हैं, ये देख सकते, ये उधर से मेन एंट्री है और ये इधर पीछे पीछे का दरवाज़ा है, इधर पीछे वॉश एरिया आ जाएगा। तो इस साइड लकड़ी की चौखट है और आगे जो मेन डोर है वहाँ लकड़ी की चौखट, बाद में फ्लोरिंग लगने के बाद में बैठेंगी। तो उधर से लेवल नहीं लिया है हमने, इधर मिला के 1.5 इंची ये माल लेके वहाँ पे ये निशान मार लिया है, ये देख सकते हैं आप ये। और यहाँ अपन अभी मार्किंग करेंगे, उसके बाद में फिर जो फ्लोरिंग रहेंगी उस फ्लोरिंग से 29 इंची के हाइट पे एक कड़ापे के ऊपर की जो धार रहेंगी, और टोटल ऊपर जो ग्रेनाइट की स्लेब है उसकी टोटल हाइट फ्लोरिंग से 32 इंच रहेगी, और उसके ऊपर जो पट्टी पानी पट्टी रहती है वो पट्टी लगाने के बाद में वो टोटल 33 इंच समथिंग वो हाइट हो जाती है। तो देखते रहिए आप कैसे हम मार्किंग करते हैं और कैसे इसको खड़ा करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस धार से 1 इंच जगह में छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जो खड़ा पत्थर आएगा वो पत्थर इसमें अटक जाएगा, थोड़ा सपोर्ट रहेगा। कई जगह हम उस पत्थर की ये धार में मैच करते हैं, यानी ये धार के लेवल से रखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको 1 इंच अंदर रखूँगा, ऐसे थोड़ा वापस कर देना। दोस्तों, किचन हमारा कड़ापे का खड़ा हो गया है, देख सकते हैं आप। इस साइड हमने ये 23 इंची का रेडीमेड कड़ापा आता है, तो वो स्लेब है कड़ापे की, और इस साइड 29 इंची की स्लेब है, और ये 16x18 का इसमें बेसिंग आ जाएगा, और इस पे ग्रेनाइट डालना और डबल मोल्डिंग ये सब बनाना बाकी है। तो देखते रहिए, आपको नेक्स्ट पार्ट में वो सब मिल जाएगा। और ये पत्थर, खड़े पत्थर हमने कम से कम लगाए हैं ताकि किचन ट्रॉली में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये दो किचन हमने खड़े किए हैं, एक दूसरी साइड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये सेम दोनों तरफ एक ही टाइप है।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।